होशियारपुर में आज भाजपा अकाली दल के संयुक्त उम्मीदवार सोम प्रकाश ने अपना नामांकन पत्र जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया के समक्ष दाखिल करवाया। वही पेपर दाखिल करवाने से पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया, पंजाब प्रभारी भाजपा कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद, सोन सिंह ठंडल व अरुणेश शक्कर मौजूद रहे तथा यहां सभी कार्यकर्ताओं का रैली में पहुंचने पर सोम प्रकाश ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के प्रधान श्वेत मलिक ने कहा कि भाजपा अकाली दल पंजाब की 13 की 13 सीटों पर जीत हासिल करेगा। चुनाव में भारी बहुमत से ये दोनों तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियारपुर, गुरदासपुर और अमृतसर और 10 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हूँ। आज मैं होशियारपुर लोकसभा हल्के लिए भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के सांझे कैंडिडेट वजो पेपर फाइल किए थे और मैं धन्यवादी हाईकमांड का जिन्होंने मेरे से भरोसा प्रकट किया और मैनू इलेक्शन लड़न ले गया और ये इलेक्शन जी असि नरेंद्र भाई मोदी जी की रहन वाई थले लड़ रहे हैं और जो पिछले 5-10 साल देश की एकता अखंडता देश में आतंकवाद को खत्म करने उन्होंने काम किया जिमें देश की शान सारी दुनिया बधाई है उन्होंने लैके असं इतने चल रहे हैं और पिछले 2 साल कैप्टन सरकार दिया फेलर्स ने पंजाब में झूठ दे सारे सरकार बनाई सी नौकरियों की गल की सी वो खत्म हो गई उन्होंने कर्जे माफ करने की गल की सी जो भी वायदा किया चाहे वह पेंशन की गल हो चाहे वह घर घर नौकरी की गल हो चाहे वह वजीफिया की गल हो हर पॉइंट से सरकार फेल हुई है और लोग निराश ने और पछता रहे हैं यही प्रोग्राम लोगों से लैके जावे और पूरा निराश है कि लोग जिस ढंग अज लोगों ने उगारा भरिया बहुत वड्डी जित साडे प्राप्त। देखो सब तो पहला तो अज गुरु अर्जन देव जी महाराज के गुरपुरब दी मैं समुची संगत को बधाई दिना और मैं समझदा कि अज कागज़ जो भरे है गुरु की आशीर्वाद गुरु बख्शिशा लैके हक सच की लड़ाई च वड्डा योगदान ते वड्डी जिम्मेवारी सोम प्रकाश जी इस इलाके की आवाज़ नूं नरेंद्र मोदी जी नाल बह के बुलंद करनगे क्योंकि कांग्रेस नूं वोट पाउणी ते समझो वोट खूह च सिट्टण वाला काम अज कांग्रेस का देश भर च काम मुक गया। 44 एक जमाना सी जब 500 सीटा लोग सभा दी जितदे सन 44 ते आ गए अमेठी छड़ के राहुल गांधी भज उठे है। जागृति लैके लिए होशियारपुर से विकास सूद की रिपोर्ट।